गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीवीए। देखो, प्रीवियस टॉपिक जो था उसके अंदर हमने ये समझा था कि हमारे कौन कौन से यूजर्स होते हैं जो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को असेस कर सकते हैं, जो यूज कर सकते हैं एक डीबीएमएस को। तो उसके अंदर जो हमने सबसे पहला यूजर पढ़ा था, ही वॉज डीबीए, क्योंकि वो किस उनका क्या काम था जो डीबीएस होते हैं, ही कैन बी अ सिंगल पर्सन और इट कैन बी अ टीम। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डीबीए की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्कीमा को डिफाइन करना, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कि आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा आपको दिखेगा। तो सिर्फ वो इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डीबीए की, डीबीए हैज एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डीबीए हैज टू फुलफिल। ठीक है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिर्फ एक स्कीमा बनाने के अलावा भी डीबीए की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हम वो पढ़ने वाले हैं। ये अलग से एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है कि डीबीए क्या क्या करता है, तो लेट्स स्टार्ट। ये वाली स्लाइड जो है सेम है जो प्रीवियस उसमें थी डीबीए के रिगार्डिंग, तो एक बार मैं ये जल्दी से पढ़ा देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इसके। डीबीए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो क्या करता है, मैनेज करता है डेटाबेस को। ये हमको पता है कि पूरा डेटाबेस का ध्यान कौन रख रहा है, डीबीए रख रहा है। ये सिंगल पर्सन होता है या कोई टीम हो सकती है। एवरी पर्सन हु वॉन्ट्स टू एसेस द डेटाबेस हैज टू फर्स्ट टेक द परमिशन फ्रॉम द डीबीए। जिस भी पर्सन को डेटाबेस को यूज करना है, एसेस करना है, तो वो किसकी परमिशन लेगा, डीबीए की। डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। इसका मतलब है कि वो ध्यान रखता है कि जितना भी डेटा जा रहा है वो सारी जगह सेम है। ठीक है, ये नहीं है कि एक टेबल में डेटा अलग है और दूसरे टेबल में वही डेटा कुछ और है। तो सेम डेटा की इंश्योरेंस कौन रखता है, डीबीए रखता है। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, कि डेटा जा तो रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पर उसको कोई भी, ऐसा नहीं कि कोई भी आके उसको यूज कर ले या कोई भी आके उसको एग्जीक्यूट कर दे। कुछ हमने सिक्योरिटी फीचर्स लगाए होंगे कि जो उसके लिए ऑथराइज या ऑथेंटिकेटेड यूजर है सिर्फ उसी को हम वो पर्टिकुलर अलाउ करेंगे उतना डेटा देखना। ऑप्टिमाइजिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस, और ये भी उसको ध्यान रखना होता है कि जो डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस जो अच्छी होती रहे। ये नहीं है कि डेटाबेस पुराना हो गया तो अब वो परफॉर्मेंस वाइज लैग कर जाएगा, वो नहीं होगा, वो और अच्छा ही होना चाहिए। एंड बैकिंग अप एंड रीस्टोरिंग दी डेटाबेस, और डेटाबेस जो है वो रीस्टोर और बैकअप क्रिएट करना उसका, वो सारा काम भी किसका है, डीबीए का है। मतलब बैकअप बना देना और जब वो बैकअप चाहिए तो उसको रीस्टोर कर लेना, तो वो काम डीबीए का है। डीबीए हैज फुल कंट्रोल ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, मतलब डेटाबेस में जितना भी डेटा स्टोर्ड है उस पर पूरा कंट्रोल है किसका, डीबीए का। इट हैज फुल कंट्रोल ऑफ दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विच विल असेस द डेटाबेस, उसका उन सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे कंट्रोल है जो कि डेटाबेस को असेस करने में हेल्प करेंगी। मतलब हर एक प्रोग्राम, हर एक चीज पे उसका कंट्रोल है जो डेटाबेस को यूज कर सकती है किसी फॉर्म में। डीबीए हैज ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सारी की सारी प्रिविलेजेस होती हैं, तो वो ग्रांट भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकते हैं इन प्रिविलेजेस को फ्रॉम अदर डेटाबेस यूजर्स। जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी के लिए भी यही चीज बताई कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा यूजर है जो उसको रीड करेगा, कौन सा कोई यूजर है जो राइट करेगा और कौन सा है जो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो परमिशंस होती हैं वो ग्रांट भी कर सकता है किसी यूजर को, रिवोक भी कर सकता है, मतलब उनको रोक भी सकता है। तो ये सारा काम कौन करता है, डीबीए का। तो ये तो शॉर्ट में है, अब हम वन बाय वन उसकी और जो है वो सीखेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे सबसे पहले है डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा, तो डीबीए इज गोइंग टू डिसाइड द कंटेंट्स ऑफ कंसेप्चुअल एंड फिजिकल स्कीमा। तो ये तो हमको पता है, ये तो उसका प्राइमरी फंक्शन है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है एक डेटा स्कीमा या स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस का वो कौन डिसाइड करेगा, डीबीए डिसाइड करेगा। तो कंसेप्चुअल लेवल के लिए वो ये डिसाइड करेगा कि कौन से कंस्ट्रेंट यानी कंडीशंस लगेंगी, क्या रिलेशनशिप्स होंगी, कौन सी डेटा टाइप यूज करोगे, क्या साइज होगा हर एक जो फील्ड आप बना रहे हो, फील्ड होगी कौन सी, टेबल कौन से बनेंगे, तो ये सारा डिसीजन कौन लेगा, डीबीए लेगा। और फिजिकल लेवल के लिए वो डिसाइड करेगा फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, डेटा स्टोर कैसे होगा, कौन सी इंक्रिप्शन की टेक्निक यूज होगी, कौन सी कंप्रेशन की टेक्निक यूज होगी, कौन सी हैशिंग एल्गोरिदम यूज करोगे, इंडेक्सेस कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो वो सारा काम किसका है, स्ट्रक्चर का। अगर इन टर्म्स का मीनिंग और डिटेल में सीखना है तो डियर वो मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो है उसको चेकआउट कर सकते हो इसके, अगर इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट है आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस।
एक जो डीबीए है वो क्या करता है, जो कोलैबोरेट करता है ऑन द इनिशियल इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ न्यू ओरेकल एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। मतलब अगर पहली बार डेटाबेस को इंस्टॉल किया जा रहा है, इनिशियल इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस टाइम पे डीबीए जो है वो कोलैबोरेट करेगा। किसके साथ कोलैबोरेट करेगा? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। देखो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है कि वो क्या करेगा, वो हार्डवेयर सेटअप कर देगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर डिप्लॉय कर देगा, मतलब उस हार्डवेयर के ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देगा। लेकिन उसके बाद जो डेटाबेस डालना होगा सॉफ्टवेयर और जो उसको कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो सारी डीबीए इंस्टॉल करेगा, ठीक है। फर्दर उसके ऊपर जो डेटाबेस डालना है वो डीबीए डालेगा। एज अपडेट्स एंड पैचेस आर रिक्वायर्ड, आपको पता है एक बार सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसमें कोई ना कोई अपडेट आता रहता है या कोई पैच उस पर हम लगा देते हैं। अगर कोई बग वगैरह होता है तो उसकी पैचिंग हो जाती है, या कोई ऐसा एरिया हो जहाँ वीक हो तो उसके लिए पैचेस होते हैं। तो डीबीए ये वाला मेंटेनेंस का पार्ट जो है वो भी हैंडल करता है। इफ अ न्यू सर्वर इज नीडेड, अगर एक नया सर्वर चाहिए तो डीबीए पूरा हैंडल करेगा कि डेटा का ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम से न्यू प्लेटफॉर्म पे। मतलब अगर हम उसका प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं कुछ किसी भी वे में, तो वो जो ट्रांसफरिंग है डेटा की, कि पूरा डेटाबेस प्रीवियस सिस्टम से उठा के न्यू पर डालना, वो भी काम किसका है? डीबीए का। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड डेटा हैंडलिंग। Today's databases can be massive and may contain unstructured data types such as images, documents or sound and video files. देखो पहले जो डेटा होता था वो हम मान के चलते थे कि सिर्फ टेक्स्ट में है, लेकिन आजकल के टाइम पे हर टाइप का डेटा हो सकता है। इमेज भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, साउंड हो सकती है, वीडियो हो सकती है। तो ये जो डेटा होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। तो जो आजकल के डेटाबेसेस बनते हैं वो ऐसा डेटा कंटेन करते हैं। तो डीबीए मस्ट बी एबल टू हैंडल सच टाइप ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ डेटा बेस। तो डीबीए जो है वो सारा टाइप का डेटा हैंडल कर पाए ताकि जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे आपके डेटाबेस की। ये ना हो कि अगर वीडियो या साउंड की फाइल आ गई तो वो हैवी हो जाए और वो चलना उसकी स्पीड स्लो हो जाए, नहीं उसको तब भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डीबीए जो है वो क्रिएट करते हैं बैकअप एंड रिकवरी प्लान्स एंड प्रोसीजर्स एंड मेक श्योर दैट द नेसेसरी स्टेप्स आर फॉलोड। वो बोलते हैं डीबीए क्या करते हैं, ये बैकअप प्लान क्रिएट, बैकअप क्रिएट कर लेते हैं और रिकवरी प्लान्स क्रिएट कर लेते हैं एंड प्रोसीजर्स एंड मेक श्योर दैट द नेसेसरी स्टेप्स आर फॉलोड। मतलब पूरा बैकअप का सारा, कि कैसे बैकअप होगा, कौन सी डिवाइस पे बैकअप क्रिएट करेंगे, किस टाइम पे क्रिएट करेंगे, ये सारी प्लानिंग जो है हम पहले से कर लेता है। और रिकवरी प्लान्स मतलब बैकअप तो बना दिया, अब अगर मान लो फेलियर हो गया तो अब उस जहाँ पे फेलियर हुआ है वहाँ से दोबारा से रिकवर करना सिस्टम पे, तो वो वाले जो प्लान्स और प्रोसीजर्स हैं वो सारे कैसे फॉलो होंगे वो सब वो डिटेल ऑलरेडी बना लेगा। बैकअप कॉस्ट टाइम एंड मनी, सो द डीबीए मे हैव टू परसुएड मैनेजमेंट टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिजर्व डेटा। बोलता है बैकअप्स जो होते हैं ना आपका, देखो उसमें टाइम भी लगता है और उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो जो डीबीए होता है दे हैव टू परसुएड मैनेजमेंट टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिजर्व डेटा। तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आप बैकअप कर रहे हो वो ढंग से जाए। सिस्टम एडमिन्स और अदर पर्सनल में एक्चुअली क्रिएट दी बैकअप्स। देखो जरूरी नहीं है कि बैकअप क्रिएशन डीबीए ही करे, सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर या कोई और पर्सन हो सकता है जो बैकअप क्रिएट कर रहा है, पर डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है टू मेक श्योर कि जो भी उसने प्लानिंग करी थी ऊपर वो सारी शेड्यूल पे है, वो एवरी वो चीज हो, इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखना, उसकी चेकिंग करना कि वो जो उसने प्लान्स बनाए थे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो कौन चेक करेगा? आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इन द केस ऑफ अ सिस्टम फेलियर, मान लो आपका सर्वर फेलियर, मान लो आपका सर्वर फेल हो गया या अदर फॉर्म ऑफ डेटा लॉस, द डीबीए विल यूज एग्जिस्टिंग बैकअप्स टू रीस्टोर लॉस्ट इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम। उसने बोला कि अगर आपका सिस्टम फेल हो रहा है या अदर फॉर्म ऑफ कोई डेटा जो है वो लॉस हो रहा है, तो डीबीए क्या कर लेगा, वो बैकअप से रीस्टोर कर देगा लॉस्ट इंफॉर्मेशन को टू द सिस्टम। तो ये उसका काम है ध्यान रखना कि सारा जो था वो फिर रीस्टोर हो जाए। नेक्स्ट है बेटा आपका सिक्योरिटी। अ डीबीए नीड्स टू नो द पोटेंशियल वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डीबीए को पता होना, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो 100% इम्यून नहीं होता, नो सिस्टम इज 100% इम्यून टू अटैक्स, ठीक है।
तो इसी वजह से वो ये बोलता है कि और हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, तो डीबीए को पता चल जाना चाहिए विद टाइम। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आया सॉफ्टवेयर या कोई डेटा तो उसको उसी टाइम पता चल जाएगा, नो। बट विद टाइम जैसे जैसे यूसेज में आए तो उसको वीकनेस पता चल जानी चाहिए अपनी सॉफ्टवेयर की, और फिर उसको वर्क करना चाहिए कि वो मिनिमाइज कर सके रिस्क को, कि वो जो वीकनेस है वो उस पर पैचेस लगा दे ताकि रिस्क फैक्टर कम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बोलता है कि कोई सिस्टम 100% इम्यून नहीं होता अटैक्स को, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप मिनिमाइज कर सकते हो रिस्क को। इन केस ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच और इररेगुलरिटी द डीबीए कैन कंसल्ट ऑडिट लॉग्स टू सी व्हाट हु हैज डन व्हाट टू द डेटा। देखो यहाँ पे वर्ड आया ऑडिट लॉग, तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना कंप्यूटर में, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कंप्यूटर में कुछ फाइल्स बनती है, उनको हम लॉग फाइल्स बोलते हैं, जो हम नॉर्मली ऐसे नहीं देख सकते, बट कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड डाल के हम लॉग फाइल्स चेक कर सकते हैं। उसके अंदर आपको उस लॉग फाइल में ना एक एक एक्टिविटी का पता चल जाएगा कि यूजर ने क्या करा था। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि सिस्टम में कुछ इरेगुलरिटी आ रही है, कोई सिक्योरिटी की ब्रीचिंग हुई है, मतलब उसको लग रहा है कि कोई थ्रेट हुआ है, तो डीबीए क्या कर सकता है, उस ऑडिट लॉग को पढ़ सकता है। वहां से उसको पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है डेटा पे, किसने ओपन किया था, कैसे ओपन हुआ है, तो वहां से उसको हिंट मिल जाएगा उन लॉग से कि क्यों मेरा जो इरेगुलरिटी आ रही है इन द फंक्शनिंग ऑफ डेटाबेस वो हो रही है। तो इस ढंग से वो डीबीए ये भी ध्यान रखता है सिक्योरिटी वाइज। नेक्स्ट है आपको ऑथेंटिकेशन। सेटिंग अप एम्प्लॉई एक्सेस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। देखो ऑथेंटिकेशन में क्या है, सेटिंग अप एम्प्लॉई एक्सेस, ये डिसाइड करना कि कौन सा एम्प्लॉई कितना पार्ट ऑफ डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, किस वे से एक्सेस कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीबीए कंट्रोल करता है कि कौन एक्सेस करेगा और किस टाइप का डेटा एसेस करेगा, कौन कौन से उसको एसेस मिले हुए हैं। जैसे मैंने आपको बोल रखा है ना कि यूजर के पास परमिशन, मान लो एक यूजर है उसके पास सिर्फ परमिशन है कि वो कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को देख सकता है, सी सी मतलब रीडिंग कर सकता है, और मे बी डिनाइड दूसरा यूजर हो सकता है जिसको हम कहेंगे कि भाई तू तो उसमें कमांड्स लिख भी सकता है यानी राइट कर सकता है, तीसरे को बोला कि तू तो एग्जीक्यूट कर सकता है, जो भी चेंज राइटिंग होगी कमांड्स की तो उनको एग्जीक्यूट करके देख सकता है। ठीक है, और कोई यूजर होगा जिसको डिनाई कर दिया होगा कि भाई तू तो कोई चेंजेस नहीं कर सकता सिस्टम में, मतलब तू राइट नहीं कर सकता, किसी को हम ये परमिशन भी दे सकते हैं कि तू राइट नहीं कर सकता, किसी को हम बोलेंगे कि तू रीड भी नहीं कर सकता। तो इस ढंग की जो हम उसको परमिशंस दे रहे हैं वो क्या है, ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमें प्रिवेंट कर दे, ये एक टाइप की सिक्योरिटी फीचर है ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये बचाता है। अगर मेरे को लगता है कि इस पर्सन को हम अथॉरिटी नहीं देना चाहते इस काम की तो मत दो, और आपको लगता है कि नहीं इस पर्सन को तो ये परमिशन होनी चाहिए तभी तो वो काम कर पाएगा, तो उसको परमिशन दो। तो राइट्स जो आप दे रहे हो वो आप यहाँ पे दे रहे हो ऑथेंटिकेशन फीचर में। नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग डेटाबेसेस फॉर परफॉर्मेंस इश्यूज इज द पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग सिस्टम मेंटेनेंस डीबीए परफॉर्म्स। वो बोलता है मॉनिटरिंग डेटाबेसेस फॉर परफॉर्मेंस इश्यूज, अगर आप डेटाबेस की मॉनिटरिंग कर रहे हो परफॉर्मेंस इश्यूज के लिए तो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग सिस्टम मेंटेनेंस डीबीए परफॉर्म्स। इफ सम पार्ट ऑफ द सिस्टम इज स्लोइंग डाउन प्रोसेसिंग तो डीबीए मे नीड टू मेक कॉन्फिग्रेशन चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर एंड एड एडिशनल हार्डवेयर कैपेसिटी। वो बोलता है अगर कोई पार्ट जो है आपके सिस्टम का वो स्लो डाउन कर रहा है प्रोसेसिंग में तो डीबीए जो है वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकता है, या कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर कैपेसिटी, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की कोई डिवाइस लगा सकता है एडिशनल, और उससे क्या हो सकता है वो परफॉर्मेंस जो है वो ठीक हो जाएगी। बेसिकली क्या है कि डीबीए को ये भी देखना है कि आपने डेटाबेस में डेटा तो डाल दिया, अब वो उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही रहे, ऑप्टिमाइज करते रहे, ये ना हो कि डेटाबेस बन गया तो अब वो स्लो होता जाए, हैंग होता जाए, तो ये सारी चीज़ों है जो है उसको ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट डिसाइडिंग यूजर व्यूज, वो ये डिसाइड करेगा कि एक्सटर्नल स्कीमा का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग वाले पॉइंट में पढ़ा था कि वो फिजिकल और कंसेप्चुअल स्कीमा दोनों का डिसाइड कर रहा है, तो सिमिलरली जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट लेवल स्कीमा है कि किस यूजर को क्या क्या दिख सकता है, मैं एज अ यूजर क्या क्या देख सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरे को देखना हो मैं अपना नेम देख सकती हूँ, रोल नंबर देख सकती हूँ, अपने फीस देख सकती हूँ, कितना मैं किसी डेटाबेस का हिस्सा मैक्सिमम देख सकती हूँ, कितने व्यूज हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वो भी यही डिसाइड करता है। तो वो डिसाइड करता है एक्सटर्नल स्कीमा का, दैट इज व्यूज दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम कंप्लीट डेटाबेस व्हेन दिस स्ट्रक्चर विल बी डिसाइडेड। जब ये डिसाइड होगा कि एक यूजर को क्या दिखेगा, तो
फ्रंट एंड पे उसको कैसे शक्ल दिख रही होगी, फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन की, जब वो डिसाइड होगी उसके बाद ही एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है फ्रंट एंड बना पाएगा। तो वो जो डिसीजन है वो अगेन किसको होता है, डीबीए का। नेक्स्ट है डिसाइडिंग कंस्ट्रेंट्स। डीबीए डिसाइड करेगा कंस्ट्रेंट्स जो कि अप्लाई होंगे वेरियस फील्ड्स पे। ये हमने पहले पॉइंट में भी पढ़ा था, पर ये एक्चुअल में हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। कौन सी की प्राइमरी की तरह एक्ट करेगी, कौन सी यूनिक होगी, कहाँ पे कोई तुमने रेंज ये लगा रखी है, कोई लिमिट लगा रखी है इनपुट डेटा पे, तो वो सारे डिसीजंस कौन लेगा, अगेन आपका डीबीए लेगा। जैसे मान लो मैंने कंडीशन लगा दी कि जो स्टूडेंट आईडी है वो आपकी प्राइमरी की बनेगी, स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 0 से 100 के बीच में आएंगे, तो ये जो अगर मतलब मार्क्स की कोई फील्ड है तो उसमें आप 0 से 100 ही मार्क्स डाल सकते हो, उससे ना ऊपर डाल सकते हो ना इससे नेगेटिव में डाल सकते हो। तो अगर आपने ऐसी कुछ कंडीशंस वगैरह लगानी है, कंस्ट्रेंट सेट करने हैं, तो वो अगेन कौन करता है, डीबीए करता है। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस डिजाइनर। आपको ये दो यूजर प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। डेटाबेस का डिजाइनर कौन है, जो एक्चुअल में डिजाइन क्रिएट करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है, फिर प्रोग्रामिंग की हेल्प से उस डिजाइन को इनटू रियलिटी लाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। तो हमको पता है कि दैट दीज टू यूजर्स हेल्प डीबीए इन कंस्ट्रक्टिंग अ कंप्लीट डेटाबेस। तो जो डीबीए है उसकी हेल्प करते हैं ये दोनों। इवन तो डीबीए के पास फुल कंट्रोल होता है, लेकिन डिजाइनिंग तो डेटाबेस का डिजाइनर कर रहा है विद डीबीएस इंस्ट्रक्शन। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि डीबीए का ये भी काम है कि वो डेटाबेस डिजाइनर के साथ बैठे और उसकी हेल्प करे कि एक परफेक्ट सा डिजाइन बन सके। और डीबीए एप्लीकेशन प्रोग्रामर को भी असिस्ट करता है ताकि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बन सके फॉर नाइव यूजर्स। नाइव यूजर्स कौन से थे, जिनको कुछ नहीं आता। तो हमने बताया था ना कि उनके लिए हम क्या करते हैं, एप्स डेवलप करते हैं, या मेन्यू ड्रिवन जो जी आप बटन आपको मिल रहे होते हैं न्यू ओपन, या जैसे आपका एटीएम में आपको सेविंग अकाउंट स्लिप, डू यू वांट टू हैव स्लिप, या एंटर योर अमाउंट, एंटर योर यूजर आईडी पासवर्ड, जो ये वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, ये सारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बोलते हैं ना हम इसको, ये मेन्यूज है क्योंकि इसको आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो ऐसे जो ये सारा है एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने पूरा फ्रंट एंड बनाना है, लेकिन डीबीए उसकी हेल्प करता है। क्योंकि अगर एप्लीकेशन प्रोग्रामर को किसी पॉइंट पे लगता है कि नहीं भाई डिजाइनिंग में चेंज करो, तो उसको डीबीए की परमिशन चाहिए होगी उसके लिए, क्योंकि वो काम तो करता है लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, डीबीए के लिए कर रहा है ना। तो सारी परमिशन इनको डीबीए ही देता है। तो जब ये अपना काम करते हैं तो ये डीबीए के साथ बैठते हैं और डीबीए की हेल्प लेते हैं। जिस पॉइंट पे इनको लगता है कि जो डीबीए ने सोचा था उसमें हम ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ये वो बता देते हैं। और एक्चुअल जो पूरा डिजाइन है कि उसको क्या चाहिए, वो सारा तो इसको बताया ही किसने होता है, डीबीए ने। ये तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो जो पूरा का पूरा चीज है वो पहले डीबीए इनको बताता है। तो अगेन डीबीए जो है इनके साथ असिस्ट करके एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक डीबीए का जो वो इनके साथ परफॉर्म करता है। तो क्लास आई होप आपको 10 रोल्स जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है समझ में आई होंगी ऑफ डीबीए। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो तो आप काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।